इतना कौन पढ़ेगा सर अब इतना कौन पढ़ेगा, कमेंट बॉक्स में पढ़ जरा, दिलों की बरसात हो जाए। बताओ जरा कितने लोग हैं जो इतने से भी ज्यादा पढ़ने को तैयार हैं, फटाफट एक बार जरा दिलों की बाढ़ आ जाए ताकि समझ में आ जाए कि इतना कौन पढ़ेगा। इतना इतना तभी शुरुआत है। यहाँ पढ़ने वाले तो 2020 की रात भी याद है मुझे, 2020 की मैराथन रात को हुई थी या दिन में हुई थी? 2 से 2 और 21 वाली नहीं, 21 वाली रात को नहीं थी, सुबह से लेके शाम तक। और इस बार वाली तो भी समय बताएगा जरा, देखो जरा जिसको लगता है ना कौन इतना पढ़ेगा। ये देखो मैंने क्या बोला था, मैं अगर शांत बैठा हूं ना इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कोई मेहनत नहीं कर रहा है। ये अपने जहन में उतार लो, इस बात को अपने मन में रख लो। अगर ये सोच के बैठोगे ना सर इतना कौन पढ़ेगा, तो ये कौन पढ़ने वाले लोग इतने से हैं, इतने हैं कि सब उड़ा के ले जाएंगे नौकरियों को, वैकेंसी को, फिर तुम ढूंढते रहना गलियों में घूमते रहना। ये बड़ी भूल बिल्कुल मत करना कि सर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो लगता किसी से नहीं होगा। और एक महीने में होता ही क्या है, एक महीना भी बहुत है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे बाहर नहीं आएगा। उसका रीजन ये नहीं था क्वेश्चंस, उसका मतलब था कि क्वेश्चंस और कंटेंट कितना सारा करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। आई बात समझ में? तो इसीलिए अपने मन में ये बात ठान लो, आप कुछ भी सोच सकते हो, ये आपकी आजादी है, बट कौन यहाँ पर जीतने वाला है ये डिसाइड इस बात से होगा कि कौन कितना पढ़ेगा। और फिर सीधी सी बात है, हर किसी के पास 24 आवर्स है, अब कौन कैसे डिवाइड करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। हाँ मैं मान सकता हूं अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ा डर हो सकता है, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर वही बात समझ में आती है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपसे पहले बहुतों ने मेहनत की है, बहुतों ने आधी आधी रात पूरी पूरी रात काटी है बैठ के, तो उनकी मेहनत को कैसे, मेहनत कभी खराब नहीं जाती, हार्डवर्क ऑलवेज पेज सूनर और लेटर। अगर उनका मेहनत उस समय खराब हुई तो भले उन्हें उस समय कुछ ना मिला हो, लेकिन इस समय मिलेगा अगर वो मेहनत कर रहे हैं। तो आप ये भी चैलेंज नहीं कर सकते कि इनको क्यों मिलेगा सर, हमें क्यों नहीं, आपको भी मिलेगा। या तो आप उनसे ज्यादा मेहनत कर लो, या आप उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो, तब तो हो सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई तुमसे पहले पहला चक्कर लेके आगे निकल गया और उसके बाद तुमने स्टार्ट किया, तो या तो अपनी स्पीड दुगनी कर दो, नहीं तो तुम उन्हें नहीं पकड़ पाओगे। और किसी की मेहनत को आप नहीं रोक सकते, अपनी अपनी मेहनत को बढ़ा सकते हो। और याद रखना, अगर ये सोच के बैठोगे सर इतने क्वेश्चन करते हैं सर हम तो अपने डेली क्लासेस में, और ये 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, सर इससे भी हो जाता है, होता होगा, एग्जाम का स्टैंडर्ड भी तुम कम नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। किसी ने बहुत खूब कहा है दैट Success will never low down its standard. It is you who have to raise your standard. तुम्हें ही अपना standard बढ़ाना पड़ेगा। सफलता कभी अपना standard कम नहीं करती। तो बच्चे कभी standard कम नहीं होगा। उनकी मेहनत को भी नहीं रोक सकते हम, और exam को भी नहीं रोक सकते। सिर्फ कर सकते हैं तो क्या? अपनी limit को push कर सकते हैं। तो अपने आप को खींचो जितना खींच सकते हो। ठीक है? शायद आपको समझ में आए बात। कड़वी होगी पर सच्चे है।